अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8002820182। हरौंदी से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। हरौंदी प्रखंड अंतर्गत सुंडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी ने सुंडी पंचायत के विभिन्न गांव टोला में मतदाताओं से सुंडी पंचायत के विकास के लिए घर घर जाकर वोट मंगा रहे हैं। जनसंपर्क में जनता से सेवा करने का मौका देने का आग्रह किया। कुलेश्वरी देवी पति राजेंद्र गुप्ता ने जनता से कहा कि अगर मुझे मुखिया बनाते हैं तो मैं सुंडी पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करूंगी और मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है। इसे गुब्बारा छाप चुनाव चिन्ह पर आप सभी मतदाता अधिक से अधिक मोहर लगावें। रूप में खड़े हुए थे, मैंने टीम थे संजू देवी, तो इसका इधर चर्चा नहीं हुआ है। तो आप जो अभी चुनाव करेंगे, जो प्रत्याशी को वोट करेंगे, उनसे क्या मतलब अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद रखेगा? वही हम लोग का सब गांव घर का विकास चाहिए। और कुछ अभी जैसे तालाब वालाब है उसमें पानी नहीं रहता है, गाय बकरी का सब पीने वाला सब दिक्कत हो रहा है। गांव घर में दो तीन गो टेबल हो जाएगा तो भी सही रहेगा, गांव घर हरियाली रहेगा। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, जितने बने हम लोग हो सके हम लोग राजेंद्र मुखिया जी को जिताने का प्रयास में लगे हैं। तो इस बार परिवर्तन चाहिए ना? परिवर्तन चाहिए, जो शुरू में थे वही मुखिया चाहिए। हाँ वही चाहिए, विकास हम लोग का चाहिए। और मुखिया यहाँ पे प्रत्याशी उठे हैं, हाँ। तो उन लोगों को साथ में देना चाहते हैं, क्या कारण? इसीलिए नहीं साथ दे रहे हैं जो हम लोग का जो काम बोल के अपना से बोले थे देने के लिए, वो भी हम लोग को नहीं मिला। चेक स्लिप बनवा के हम लोग रखे रह गए अपने घर में। वर्तमान मुखिया? हाँ वर्तमान मुखिया। हम लोग को बोले जे आप ये सब चेक स्लिप बनाइए, चेक स्लिप बना के हम लोग रख दिए। पैसा भी दो चार दिन का तो खर्चा हुआ, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं लाभ मिला। लास्ट में मेरा वीरेंद्र उरा नाम है, परसवान, ग्राम सुंडी टोला परसवान, पोस्ट राजे थाना भानापुर जिला गढ़वा। को ईमानदारी से मैं काम करूंगा, जो सरकारी लाभ मिलेगा जनता तक पहुंचाऊंगा। लोगों को आशा विश्वास है, ईमानदारी से काम करते हैं, इसी पर जनता को रुझान है और जनता हमको उठाई है। आप देखिए, आप बिना जनता यहाँ का विकास होने वाला नहीं है। उन मुखिया जो थे, आज भी न 15वां बीत के न 14वां बीत के, एक पैसा नहीं, नहीं कधेप सची नहीं, 5 साल कार्यकारिणी के बैठक किए, नाम सभा किए, सारा चीज झूठ और लूट चला। इससे जनता त्राही नाम होकर हमको कहेगी आपके बिना हम लोग अब किसी को नहीं चुनने जा रहे हैं, हमको करके लोग उठाया है। जनता तक पहुँचाऊंगा, जमीनी स्तर तक सब आप ही नहीं है जो क्रमांक संख्या 2 पर दोबारा छाप और मोहर लगाकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं। मैं आपको काम करने के लिए मैं खड़ा हूँ, यही मेरा आप धन्यवाद। हम लोग अच्छा प्रत्याशी कोड देना चाहते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को, चाचा जी हैं हम लोग के, गार्जियन हैं, उसी को हम लोग वोट देना चाहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को ही वोट क्यों देना चाह रहे हैं, क्यों जिताना चाह रहे हैं, क्या बात है? कैसे कि हम लोग के देखिए देखभाल करते हैं, हाल बाल में दुख सुख शामिल रहते हैं, दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं, रहते हैं ना। गांव घर का अपना विकास करेंगे, हम लोग लेंगे, चाचा हम लोग के देंगे, और का ये ना हम लोग करेंगे, और क्या हम लोग जो भी योजना आएगा मने सभी तक पहुँचाएंगे, है ना? बस यही है। वो कर्मठ सुयोग और जो जनता के दुख सुख में हमेशा साथ दे, वैसे उम्मीदवार को चुनना चाहेंगे। ऐसा उम्मीदवार हम लोग कभी नहीं चुनना चाहेंगे जो चुनाव में पैसा खर्चा करके जनता को प्रलोभन देकर और वोट ले लें और बाद में जाकर सो जाएं। कि जनता बिल्कुल लालच में ना पड़े, लालच से परे होकर सुयोग एवं कर्मठ उम्मीदवार को चुनने का काम करें। और हम चाहेंगे कि वैसे उम्मीदवार हमारे पंचायत में माननीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की धर्मपत्नी फुलेश्वरी देवी हैं, जिनका क्रम संख्या 2 में गुब्बारा छाप है। हम सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि क्रम संख्या 2 में गुब्बारा छाप पर मुहर लगाकर फुलेश्वरी देवी को अपार मतों से विजयी बनाने का काम करें। मैं पंकज कुमार पाल है और मैं सुंडी पंचायत के दोहरी टोला का निवासी हूँ। अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8002820182।